गरम पट्टी बांधे हो, क्योंकि कल मैंने गरम तेल से लहसुन वहसुन पका के मालिश कर ली। सब्जी बना दी? नहीं, ये सब बोलते ना लहसुन गरम करता है, तो उससे मालिश कर दी, मालिश करी लेकिन फिर भी आराम। खुशी तो देखो, खुशी क्या है ये? सो ये गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। अरे रुक जा भाई, कोई ड्रिल मशीन चला रहा है बगल बगल। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ रात के डिनर में मटर के पराठे। तो दिखाते हैं आपको भी आज का व्लॉग अपना। बने रहिए मेरे चैनल पर, बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो मैं हाज़िर हूँ अपने किचन में, और अभी मेरे पतिदेव जी ऑफिस से आने वाले हैं, और उनको वो जो नया वाला चूरा है वो आपने पहले भी व्लॉग में देखा, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। तो उनके आने से पहले मैं सोच रही थी कि चूरा वगैरह भून दूँ, फिर वो आएंगे तो चाय वगैरह बना के उनको देंगी, क्योंकि ठंड है। तो आते आते गर्म पानी और चाय तो पीना बनता है। तो यहाँ पर मैं भून रही हूँ उनके लिए चूरा, जल्दी जल्दी से भून लेते हैं क्योंकि उनके आने का भी टाइम हो रहा है। उनको सादा ही पसंद है, तो यहाँ पे नॉर्मल मैं प्याज और मिर्ची का तड़का देके नमक डाल के और फिर चूरा भून दूँगी। ज़्यादा कुछ इसमें टिटरम नहीं करना है, बहुत ही उनको सिंपल से सादा सा पसंद है। हाँ, मूंगफली रहा तो मूंगफली डाल दो, बट अभी मूंगफली था नहीं तो मैंने बस ऐसे ही चूरा भून दिया। पतिदेव जी ऑफिस से बराबर खुशी तो देखो, खुशी क्या है ये? फिर कहोगे चाय पुलाव? चाय पुलाव। एंड उधर मम्मी मेरी जो स्टोरी वाली वीडियोस हैं वो देख देख करके हंस रही थी, तो दिखाते हैं आपको भी उनका रिएक्शन। हमें कैसी है वीडियो? अच्छी है। अच्छी है ना, मजेदार एकदम। हाँ। एक्टिंग आपकी बहू अच्छी करती है ना। पापा आप कुछ बोलेंगे? पापा एक्टिंग अच्छी करते हैं ना? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और इधर साथ ही साथ में मैं चाय भी बना रही थी, गर्मा गर्म चाय अदरक वाली। चूरा हमारा लगभग भून चुका था, बस फटाफट से इंतज़ार कर रही थी जल्दी चाय हो तो फिर जाके सबको दे दूँ, क्योंकि फिर मुझे खाना भी बनाना था। तो मैं सोच रही थी जितना जल्दी जल्दी हो सके काम हो, और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इस वजह से जल्दी जल्दी सारा चीज़ निपटा रही थी। ऑयलिंग देख करके मेरे सर पे आपको पता लग ही गया होगा कि अभी मेरी क्या हालत है। यहाँ पे सबको मैं चूरा चाय सबको दे रखी हूँ। चश्मा लगा लिए हैं सर? सर ठेपी लगाए क्या? कह रहे कैमरा देखते चश्मा लगा। मम्मी उठ के बैठ गई। कह रहे कैमरा देखते चश्मा लगा लिए। अच्छा था कि हैंडसम हैंडसम आए। चश्मा हैंडसम होता है। और क्या, एकदम जोरदार। सबको चूरा वगैरह नाश्ता दे करके और मैं इधर आ गई फिर से किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं मटर भूनने की तैयारी कर रही हूँ, मिर्चा लहसुन का तड़का दे करके, और मटर में हल्का मसाला डाल करके उसको भून लेंगे, उसके बाद से उसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैं खूब ढेर सारा मिर्चा डाल रही हूँ ताकि कड़वा और चटपटा सा बने। इसमें मैंने डाला हींग और फिर डालूंगी लहसुन।
मसाले भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी मैं, बस धनिया पाउडर, नमक और हल्का सा गरम मसाला, इसके अलावा कोई मसाला नहीं डालूंगा। बहुत ही नॉर्मल सा मसाला डाल के बहुत ही टेस्टी सा बनता है, तो ज़्यादा कुछ इसमें तिगड़म करने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक मटर भुन रहा था तब तक मैंने सोचा आटा भी सान लेते, सारी तैयारी कर लेते हैं, ताकि बस मटर भुनने के बाद से, पीसने के बाद से सिर्फ बनाना बनाना रहेगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पे आटा भी सान लेती हूँ। क्या हुआ बिल्ली? पैर में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। बांधी है? गरम पट्टी बांधी हो, क्योंकि कल मैंने गरम तेल से लहसुन वहसुन पका के मालिश कर ली। सब्जी नहीं, ये सब बोलते हैं ना लहसुन गरम करता है, तो उससे मालिश कर दी, मालिश करी लेकिन फिर भी आराम नहीं हुआ, तो मैंने सोचा गरम पट्टी बांधती हूँ। देखो निशान, अब एक पैर से बांध के अभी इस पैर में थोड़ा सा बांधूंगी। कैसे पति हो, उठके बांध नहीं पा रहे? मैं तो मैं वो आत्मनिर्भर बना। ओ जी जी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? जी जी जी, ना बनाओ भैया आत्मनिर्भर, मतलब बहुत तगड़ा दर्द हो रहा है पूरी पूरी रात। मतलब अभी बीच में मेरा पैर ठीक था, 5-6 दिन से हल्का 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 मेरे घुटने में दर्द स्टार्ट हुआ, और उसके बाद इसे अब तो ये हालत हो गई है कि पूरा पैर रात भर ऐसा लग, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद से मेरे पैरों में ठंडी लगी है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ठंडी शुरू हुई थी तब मैं ज़्यादा कुछ, मतलब मेरे पैरों में उलझन होती है इसकी वजह से, मैं ज़्यादा कुछ पहन नहीं रही थी, मतलब फुल में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ठंडी लगी हो, तो इस वजह से मैं गर्म पट्टी बांध रही कि भगवान जी आराम दे दो। और उसके बाद भी मेरे साथ एक समस्या ये भी है कि मैं पूरी ठंडी चाहे ओले पड़ रहे हूँ, बर्फ़ पड़ रहे हूँ, मेरे जो दोनों टांगे हैं वो इसके बाहर रहती हैं, और मैं फुल पंखा चला के सोती हूँ, बिना पंखे के मैं सो भी नहीं सकती। तो मेरे जीवन में एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही हो, पैर में ठंड लग रही हो, क्योंकि अब मैं पहले जैसी नहीं रही, मेरे साथ बहुत अलग अलग सीन है अभी, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है अभी, क्या ही बताऊँ, बस भगवान जी। पैर का दर्द मेरा छीन लो। एंड फिर इसके बाद से गर्म पट्टी वगैरह पैर में, दूसरे पैर में बांधने के बाद से फिर मैंने फटाफट से पराठा सेकना स्टार्ट किया सबके लिए, गरम गरम सबको खिलाया, और सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था पराठा, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। मतलब मुझे ठंडियों में, ठंडियों का सीज़न खाने पीने के लिए बहुत अच्छा लगता है, जैसे गोभी के पराठे, मटर के पराठे, मेथी के पराठे, मूली के पराठे, तो ये सब कुछ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मुझे मटर के पराठे खाने के मन भी हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। और फिर सबको गरम गरम खिलाने के बाद से, बनाने के बाद से फिर मैंने भी खाया, वो मैं शूट नहीं कर पाई, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को खूब ढेर सारा अपना प्यार दे करके लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।